सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ज्यादा यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम फ्रिज में जो स्मेल हो जाती है उसको रिमूव कर सकते हैं एंड उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेस ग्रुप पर। मेरे फेस ग्रुप का लिंक ये रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल एंड ईजी तरीका है कि हम अपने जो फ्रिज में जो गंदी स्मेल हो जाती है उसको हमेशा के लिए अवॉइड कर सकते हैं। एंड उसके लिए हमें कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमें अपने रेगुलर बेसिस पे फ्रिज को साफ करते रहना होगा। हर 15-15 दिन में, महीने में दो बार आपको फ्रिज को साफ करना होगा एंड पूरा उसको क्लीन करेंगे तो जिससे कि आपका जो फ्रिज है वो भी सही रहेगा, वो भी साफ रहेगा एंड जो फ्रिज में जो गंदी स्मेल हो जाती है वो भी आप बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। सो फ्रिज को क्लीन करने के 5 स्टेप्स हैं। ये 5 स्टेप्स मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने फ्रिज को खोलिए एंड जो भी चीजें आपकी गल रही हैं या जो खराब हो रही हैं या फिर काफी पुरानी हो गई जो आपको यूज नहीं करनी है उसको सीधा आप डस्टबिन में डाल दीजिए। स्टेप नंबर 2, अगर आपके पास में बड़ा कंटेनर है उसमें आप आइस बिछा दीजिए एंड फिर उसके अंदर जो चीजें ठंडी रहने वाली हैं उसके ऊपर आप आसानी से रख सकते हैं एंड बाकी चीजों को आप निकाल कर एक कूल प्लेस पे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। स्टेप नंबर 3, अगर आपने पूरा अपना फ्रिज बिल्कुल खाली कर लिया है, सारा फ्रिज आपका खाली हो चुका है, देन एक गीले कपड़े से हल्का सा उसके ऊपर डिटर्जेंट स्प्रिंकल करके या फिर आप लिक्विड सोप भी यूज कर सकते हैं, हल्का सा लिक्विड सोप उस गीले कपड़े के ऊपर लगाकर एंड फिर आप अपना फ्रिज जो है वो क्लीन कर सकते हैं। पूरा जब आपने अपना फ्रिज पूरा क्लीन कर लिया देन फिर उसके बाद में दोबारा से आप एक ऑलमोस्ट हल्का गीले वेट कपड़े से पूरे अपने फ्रिज को पोंछ दीजिए। टिप नंबर 4, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी तरीका है। 2 चम्मच आपको बेकिंग सोडा लेना है एंड आधी कटोरी के लगभग आपको पानी लेना है। दोनों चीजों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आपका एक सोल्यूशन बन जाएगा, बेकिंग सोडा और पानी का एक आपका सोल्यूशन बन जाएगा। आप एक ड्राई कपड़ा लीजिए, उसको डिप करिए उस सोल्यूशन में एंड फिर उस सोल्यूशन से आप पूरे अपने फ्रिज को साफ कर दीजिए। उसको साफ करने के बाद में एक ड्राई कपड़े से प्रॉपरली क्लीन कर दीजिए जिससे कि जो आपके बेकिंग सोडा के जो ट्रेसेस हैं वो फ्रिज में ना रहे एंड आपका फ्रिज जो है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाए। अगर आपके पास में इस तरह की प्लास्टिक की शीट्स हैं या प्लास्टिक के रोल्स हैं वो आप बहुत इजीली अपने फ्रिज में यूज कर सकते हैं। इनको मेजरमेंट के हिसाब से जितनी जितनी आपकी रैक है फ्रिज में उसके हिसाब से आप इनको काट लीजिए एंड फिर उसके बाद में चीजें रखने से पहले अपने फ्रिज में इस प्लास्टिक शीट को लगा दीजिए। इससे होगा कि आपका जो फ्रिज का जो बेस है, जो रैक है वो खराब नहीं होगी एंड आप इसको आसानी से दोबारा से रीयूज भी कर सकते हैं। जब ये गंदा हो जाए आप इसको धोकर भी रख सकते हैं। एंड लास्ट स्टेप नंबर 5, एक बाउल में किसी भी कांच की कटोरी में, स्पेशली कांच की कटोरी लीजिए वो ज्यादा सही रहती है, आप किसी भी कांच की कटोरी में, छोटी कटोरी में कम से कम 5-7 स्पून बेकिंग सोडा बिल्कुल नीचे वाली रैक में आप रख दीजिए फ्रिज के, जिससे कि जो स्मेल होगी थोड़ी बहुत भी, जो अगर इतनी क्लीनिंग के बाद में अगर स्मेल बच जाती है, वैसे बचनी नहीं चाहिए, अगर थोड़ी बहुत भी स्मेल बच जाती है तो फिर वो बेकिंग सोडा बिल्कुल उस स्मेल को एब्जॉर्व कर लेगा एंड आपके फ्रिज के अंदर बिल्कुल स्मेल नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इजी स्टेप्स के किस तरीके से हम फ्रिज में स्मेल अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको फ्रिज किस तरीके से क्लीन किया जाता है उसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसको जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप इन स्टेप्स से अपने फ्रिज को साफ करेंगे तो आपके फ्रिज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी एंड आपका फ्रिज हमेशा साफ रहेगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।